नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज भिवंडी शहर के बेघर निवारक केंद्र में, जहां बेघर लोग रहते हैं, भिवंडी शहर के एसटी स्टैंड के बाजू में, आज भिवंडी शहर के दो कवियों ने यहां आकर एक छोटा सा कवि सम्मेलन किया। इस मौके पर बेघर निवारक केंद्र के व्यवस्थापक संजय भास्कर कुलकर्णी, अशोक भांगर, राजेश मोरे खान फखरे आलम, संतोष जैसे कई व्यक्ति और लाभार्थी मौजूद थे। आइए देखते हैं कवियों ने अपने अंदाज में देश में हो रही घटनाओं के बारे में कैसे बयां किया। मैं खान फखरे आलम। खड़ा होकर चौराहे पर मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था। इतने में एक हसीना मेरे पास आकर बोली कि क्यों खामोश और निराश खड़े हो, चलो मेरे साथ जिंदगी के कुछ मज़े ले लो। मैं तो अपनी खाली जेब से परेशान था। मैंने बड़े गुस्से से कहा कि जाओ पहले फ्री सर्विस का बोर्ड लगाओ फिर मेरे पास आओ। मेरे गुस्से पर भी वो बड़े प्यार से बोली कि फ्री में तो आजकल बीवी भी बात नहीं करती और तुम हो कि साथ हसीनाओं का चाहते हो। अरे कुछ तो परिश्रम करो, खुद न सही किसी और को ही मेरा पता बताओ और अपना कमीशन लेके जाओ। हम हसीनाएं अपने व्यापार में कभी धोखा या बेईमानी नहीं करती। उसकी सच्चाई मुझे अच्छी लगी और मैंने भी उसको एक मशवरा दिया कि क्या रखा है इस हुस्न के बाजार में। थोड़े से पैसे और जिल्लत की जिंदगी। बोले जानते तो हम सभी हैं कि तुम अपना जिस्म बेचकर पैसा लेती हो, फिर भी हम सभी तुम्हें नीच उल्टा और वेश्या कहते हैं। अंधेरे में तो हम सभी तुमसे मिलना चाहते हैं, पर उजाले में हम सब उन्हें ही बदनाम करते हैं। बड़े बड़े राजा ऋषि मुनि नवाब सभी तो तेरे गुलाम रहे हैं, पर बदनाम तो हम बस तुम्हें ही करते रहे हैं। तुम अपना ये व्यापार बदल क्यों नहीं लेती। जाओ जाके कहीं पे राधे माँ बन जाओ और खूब दौलत और शोहरत कमाओ। तो उसने भी मुझसे कहा कि तुम कहाँ खुशहाल हो, अरे तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बदहाल हो। तुम भी तो आशा राम बन जाओ और जेल में भी रस मलाई खाओ। यहाँ कहाँ तुम उतर रहे हो, अभी तो ये पनवेल है बाबा। गौहर को अनपढ़ मत कहना, सर चेल लेकर गौहर को अनपढ़ मत कहना, वो तो बीए फेल है बाबा। एक शेर अर्ज है, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, तेरे हर सवाल का यही एक जवाब है। क्या बात है, चार मिसरे पेश कर रहा हूं। ए जी कुछ तो सुनो, एक आदत मुन्ने के अब्बा तो बनो। शोहर गुस्से में उनको जवाब देते हैं, मुन्ने की क्या बात करती हो बेगम, मुन्ने के साथ मुन्नी भी जनो और पड़ोसियों से कहो जरा इनको तो गिनो। आपने वो गाना सुना होगा, मुबारक हो तुमको समाई ये सोहना, खुश हूँ मेरे आंसू की न जाना। उसके बारे में मैंने चार लाइन लिखा। आया है मुझको ख्वाजा का बुलाना, ये दिल ही न माने अजमेर है जाना। मैं तो ख्वाजा का दीवाना। हजारों सवाली दर पे हैं आते,
सभी अपनी अपनी खुशियाँ है पाते, सभी अपनी अपनी, सभी अपनी अपनी खुशियाँ है पाते, ये दिल ही न माने अजमेर है जाना, मैं तो ख्वाजा का दीवाना दीवाना। एक गाना आपने ये भी सुना होगा, जब गम जमा हो गए, जब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे। तो इसमें मैंने थोड़ी सी रद्दो बदल किया जी, जी, तो वो रद्दो बदल से कितना मीनिंग चेंज हो जाता है वो आप देखिए। जब हम जवां होंगे, जब गम जवां होंगे, जब गम जवां होंगे तब अश्क रवां होंगे, जब हम जवां होंगे तब अश्क रवां होगी, लेकिन मदद मेरी गौसुल वरा होंगे, गौसुल वरा होंगे। एक उसके अंदर अंतरा है, मेरी बिगड़ी तकदीर बनाओ आका तुम, भटका हूँ मैं राह दिखाओ आका तुम, होगा करम मुझ पर, होगा करम मुझ पर, आपका दीदार करेंगे जब हम जवां होंगे। हाँ देखिए, आप लोगों के साथ में बैठकर पढ़ने बहुत अच्छा लग रहा है, और इसलिए हौसला बढ़ रहा है कि हाँ और शेर सुनाया जाए। तो ये एक शेर हुआ है ताज़ा, उसको आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। शेर देखिए कि रो रहे हैं बच्चे भी, थाम कर जिगर अपना, रो रहे हैं बच्चे भी, थाम कर जिगर अपना, माँ गई जो दुनिया से, छोड़ कर असर अपना, माँ गई जो दुनिया से, छोड़ कर असर अपना, रो रहे हैं बच्चे भी, थाम कर जिगर अपना। मैं तो आशिक हूँ खुशबू का, वह किस फूल की है उससे मुझे क्या लेना। मैं तो आशिक हूँ खुशबू का, वह किस फूल की है उससे मुझे क्या लेना, मैं तो पुजारी हूँ मानवता का, वह किस मजहब का है उससे मुझे क्या लेना। एक शेर कि खबर मेरी मौत की सुनकर, खबर मेरी मौत की सुनकर, चले आए वो मेरे जनाजे में शरीक होने, खबर मेरी मौत की सुनकर, चले आए वो मेरे जनाजे में शरीक होने, इंतजार जिनका करता रहा मैं जमाने से, ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसी रस्में हैं, निभाया जाता है जिन्हें इसी के मर जाने के। एक शेर पढ़ देता हूँ आलम भाई, आता है शतक, कोई दाग न लगे तुम्हारे दामन पर, क्या बात है, कोई दाग न लगे तुम्हारे दामन पर, तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले, सारे जहां में चर्चा हो तुम्हारे नाम की, तुम्हें मौत भी मिले तो शहादत, क्या बात है। बस यही दुआ है मेरी तो खुदा से आप सबके लिए।